जन्नत हासिल कर सकते, उसकी जहन्नम से अपने आप को बचा सकते।
సభా పరిమండలారా, आज की रात की बरकत से उसकी निर्माण से हमें भरपूर इस्तेमाल करने की तौफीक अदा फरमाया और हमारी जिंदगी को इस रात के सदके में इंशाल्लाह मजीद बाकर कर दिया। और अपने मौजू की तरफ इंशाल्लाह पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था उसी को बात को आगे बढ़ाते अब एक सवाल बड़ी शुरू होता है। याद होता है जो दोस्तों ने शुरू किया था पुरानी पर्सपेक्टिव फॉर क्रिएटिंग सोसाइटी, जो हमारे माशरे की हालत है इस्लामी माशरे की, पाकिस्तान के माशरे की बिलखसूस और बिलमूल पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए पुराने मस्जिद क्या रास्ता दिखाता है, क्या हल पेश करता है और आया हम उन उसूलों पर अमल पैदा हैं या उन उसूलों पर अमल पैदा नहीं। यह हत्ता के कुरान में जिंदगी गुजारने के जो उसूल बताए हैं एक दूसरे के साथ इख्तलाफात की मौजूदगी में किस तरह रहने का तरीका बताया, आया हमें मालूम भी है या मालूम नहीं है। फिर पीछे भी पिछले लेक्चर में भी अर्ज किया था क़यामत के दिन रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे अपनी उम्मत के बारे में कि इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। ये कुरान मजीद से जिस हदफ के लिए अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया था उस हदफ के लिए कुरान को नहीं पढ़ा। हम अपनी बात को इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कुछ आयात खुद कुरान करीम के हवाले से आज करना चाहूँगा, चूँकि टाइम भी कम है। इंशाल्लाह अपने ज़हन को ज़रा हाजिर रख कर एक रूटीन की गुफ्तगू समझते हुए समझने और समझाने के लिए जो इस लेक्चर का असली मकसद और हदफ है और अपने रास्ते को आज की दुनिया में आज के माहौल में आज के माशरे में अगर सही उसूलों पर हमारी ज़िंदगी की रविश नहीं है तो उसूलों को जानने के लिए उनको मुअय्यन करने के लिए उनको कश करने के लिए कुरान की ज़ुबान में हमने अपने आप को तैयार करना है, आमादा रखना है और इंशाल्लाह इस पूरे वक्त में जो हम यहाँ पर मौजूद हैं अगर किसी अंदाज में सुनेंगे तवज्जो के साथ सुनेंगे तो तब हम अपने हदफ को और अपने मकसद को इंशाल्लाह पाते हैं। सूरह सात की आयत नंबर 29 किताब उन अंजलनाहु इलैका मुबारक लियदब्बरु आयातिही वलियतदक्करा कुरान मजीद के नाजिल करने का हदफ क्या था अल्लाह की निगाह में। बहुत सी आयात में बयान हुआ यहाँ पर बयान फरमाया There is a book which we have sent down unto thee full of blessing बाबरकत दानव तर्जमा किया full of blessings बाबरकत उस चीज को कहते हैं जिस पर सवाल ना हो। जैसे कुरान में अल्लाह के बारे में फरमाया तबारक अल्लज़ी बियदिहि मुल्क बाबरकत है वो ज़ात के जिसके हाथ में बादशाहत है हर चीज की, जिसके हाथ में इख्तदार है हकीकत में बाबरकत है यानी उसको सवाल नहीं है, कभी उसका वजूद अदम में नहीं बदलेगा, कभी उसका वजूद खत्म नहीं होगा, हमेशा है। इसी तरह कुरान मजीद भी बाबरकत है मुबारक है सवाल नापसीर है क़यामत तक के लिए इसके उसूल आएंगे। ये बाबरकत किताब किसकी नज़र की दैट दे मे मेडियन ऑन इट्स साइज लियदब्बर आयात ही आयात कहते हैं साइंस को निशानियों ताकि इसकी आयात में तदब्बुर करें गौर करें फिक्र करें उसके पैगाम को अपने शऊर से दर्क करने की कोशिश करें और ताकि इस तदब्बुर के नतीजे में वो अफराद एंड दैट दोज़ हु पोसेस प्योर इंटेलेक्ट मे रिसीव एडमिशन।
प्योर इंटेलेक्ट वरुण अलबाब यानी खालिस अकल के मालिक, जो किसी बात को समझते वक्त, किसी बात का तजिया करते वक्त अपनी अकल के साथ किसी और चीज को शामिल नहीं होने देते, अपनी ख्वाहिश को, अपने जज्बात को, अपनी पार्टी को अपनी अकल के फैसले में शामिल नहीं करते, सिर्फ खालिस अकल से फैसला करते। कुरान पर हमें एतमाद देंगे कि हमारी जिंदगी
तो ये अच्छा बना सकता है, हमारी जिंदगी को बाबरकत बना सकता है, हमारी इस जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बना सकता है जैसा खुदा चाहता है, जैसा अल्लाह का रसूल चाहता है। हमारा ये ईमान कामिल नहीं है, लिहाजा हम कुरान को जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह नहीं पढ़ते। क्या बना है इससे फॉलो करने के लिए नहीं पढ़ते, अपने दीन को अपने मजहबी तसव्वुरात को कुरान से नहीं। وَمَنْ يَنْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے یعنی اس کا انکار کرتا ہے, اس بات کا انکار کرتا ہے, those who reject faith there it is they who are the losers, یہ ہے کہ جو آخرت میں نقصان دیتا ہے۔ قرآن مجید کو ہدایت کے لیے نہ پڑھنا, چند روایات ہے, پچھلی دفعہ پچھلے لیکچر میں بتا میں شکریہ بھی ادا کرتا ضرور کہ آپ جیسے بعض افراد نے فیڈ بیک دیا مثبت منفی دونوں, ایک بات یہ کی گئی کہ روایات مسلمین کا تذکرہ نہیں تھا, چونکہ ہمارا ٹاپک میں وضاحت کر چونکہ ہمارا ٹاپک قرآن پرسپیکٹو تھا اس لیے میں روایات نہیں لایا, لیکن اسی قرآن مجید کے بارے میں جو مسلمین چند روایات میں لایا ہوں, آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس دو سورسز ہیں دین کو سمجھنے کے, دنیا اور آخرت میں کامیابی, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, چونکہ ہمارا موضوع قرآن تھا لہٰذا میں اہل بیت کے قرآنین کو اس لیکچر میں ٹچ نہیں کیا, میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں۔ العالم علیہ السلام, العالم سے مراد امام موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی صلوات پڑھی ہے, جن روایت میں قرآن کا تذکرہ ہے, امام فرماتے ہیں من اخذ دینہ من کتاب اللہ, من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت نبی, جو اپنے دین کو اللہ کی کتاب سے لے اور اللہ کے نبی کی سنت سے صلوات علیہ و آلہ, زالت الجبال قبل ان یزول, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے قبل اس کے کہ یہ بندہ اس نے اپنا دین کتاب و سنت سے کیا ہے اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ نماز خود برائی کو روکتی ہے, قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ تو قرآن شریف کا کچھ باتیں جو افیکٹ اسلف ہمارے اوپر ہوتا ہے, نماز کا افیکٹ ہمارے اوپر پازیٹیو ہوتا ہے, ہم برائی سے روکتے ہیں, قرآن شریف کے پڑھنے سے اس کا پازیٹیو افیکٹ اسلف خود اس کا ہماری زندگی پر ہوتا ہے۔ ایک سوال پڑی محمد قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے, ان کے دل خوف خدا سے ڈر جاتے ہیں, جن دلوں پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی یا کم طاری ہوتی ہے, جن اس کی وجہ یہ جتنا انسان اللہ سے غافل زندگی گزار چکا ہے, جتنا اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار چکا ہے, اس کے قلب میں وہ نرمی, اس کے دل میں وہ نرمی جو ہونی چاہیے تھی وہ خود اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے گناہوں سے اس کو بچا کر۔ اور آگے کا کام, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان مومنوں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافے کا باعث ہوتا ہے, ان کے ایمان میں پہلے کے مقابلے میں اضافہ ہو جاتا ہے, جتنا انسان کا ایمان زیادہ ہوگا اتنی انسان کی زندگی قرآن و سنت کے سائے میں آتی جائے گی, یہ خود قرآن مجید ہے۔ جس نے دین اللہ کی کتاب سے لیا, اللہ کے نبی کی سنت سے لیا, امام فرماتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, یہ اپنا دین نہیں چھوڑے گا۔ فَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ, جس نے لوگوں کے منہ سے ان سنی سنائی باتوں پر اپنے دین کی بنیاد رکھی, رَدَّتْهُ الرِّجَالِ, چونکہ آیا سنی سنائی پہ تھا لوگوں کی باتوں سے کی وجہ سے, ہو سکتا ہے لوگوں کی باتوں ہی کی وجہ سے دین سے خارج ہو جائے جبکہ اسے پتہ بھی نہ چلے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد اللہ کی کتاب نہیں ہے, اللہ کے رسول۔ اسی طرح امام کاظم کا ایک اور فرمان, من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن, دیکھیں ساری کی ساری تاکید قرآن پر کر رہے ہیں, امام کیا فرماتے ہیں, جس شخص نے ہمارے فرمان کو
कुरान मजीद से न लिया, यानी कुरान मजीद के साए में न समझा, लम यतदक्कब फितन, वो फितनों से बच नहीं सकता, यानी कुरान के साए में हमारे फरामीन को न देखे ऐसा शख्स फितनों से बच नहीं सकता, यानी फिक्री इन्हराब से बचने की कोई गारंटी नहीं है उसको। यही बात पर गौर फरमाना, ये भी इमाम कासिम कह रहे हैं, रिवायत सरदौसी बयान की, ये शेख कुलैनी कि जिन्होंने काफी की किताब उसमें रिवायात जमा की और उस किताब को तालीफ किया जो हमारी सबसे मुतबर किताब है अल काफी, उसके मुअल्लिफ वो इस किताब की हदीस के स्टार्ट से पहले उसके मुकदमे में उन्होंने ये रिवायात लाई कि दीन को समझने का तरीका क्या है। उसी में इमाम का ये कौल अदल करते हैं, पहले फरमाते हैं कि जान लो खुदा तुम्हारी हिदायत करे कि किसी एक शख्स को भी ये हक हासिल नहीं है, किसी को ये हक हासिल नहीं कि अगर दो रिवायतें जो आपस में मुख्तलिफ हो, जाहिर रिवायात सही भी है गलत भी रिवायात मौजूद, अगर उसके सामने दो ऐसी रिवायात आ जाए जिनमें से एक सही है एक गलत है, उसको परखने का तरीका है, फरमाया कि किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि अपनी राय से फैसला करे, एक रिवायत उसकी ख्वाहिश के मुताबिक है, उसको कोई शॉर्टकट बता नहीं रहा था कि मैं इस पे अमल करूंगा, कहा कि किसी को हक हासिल नहीं, तरीका क्या है इसका, इल्ला अला मा अतलबहु अलिम बिकौलिही अलैहि सलाम, सिवाय इस तरीके के कि जो इमाम काज़िम ने हमें बताया, क्या फरमाया, हमारी रिवायात को उन रिवायात को अल्लाह की किताब के सामने पेश करो, फमा वाफा किताब अल्लाह, जो रिवायात किताब खुदा के मुताबिक हो, फखुजू उन रिवायात को ले लो, फमा खालफा किताब अल्लाह फरदू, और जो रिवायात किताब खुदा के खिलाफ हो उन्हें ना करो। ये कुरान की अहमियत के बारे में थी, कुछ पे बात को आगे बढ़ाना है, हम दीन की तबलीग कैसे करते हैं और कैसे हमें करनी चाहिए कुरान मजीद की निगाह में। मैं कुरान की आयात यहाँ पर कोट करता हूँ, आप भी देखिएगा पढ़िएगा और जरा खुद तजिया कीजिएगा कि हमारे स्टेज से आया दीन की तबलीग इसी अंदाज में होती है, या जब हम किसी दूसरे मजहब के शख्स से बहस करते हैं किसी मौजू पर अपने मजहब के बारे में, उसके मजहब के बारे में, तो आया हमारी रविश वही होती है जो कुरान में बयान की। आप तवज्जो फरमाएं, सूरह नहल आयत नंबर 125, तबलीग का तरीका क्या है, किसी को दीन की तरफ बुलाना, आपने किसी को इस्लाम की दावत दे दी है, कोई शख्स आपकी नजरों में गुमराह है, इस्लाम से गुमराह है, दीन इस्लाम का कायल नहीं है, यह मतलब अहले बैत का कायल नहीं, आपने तबलीग के अंदाज में करनी है। पिछली आयात जिन्होंने कहा था कि कुरानी उसूलों के मुताबिक कुरान को फॉलो करने वाले उन पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, उसको ज़हन में रखते हुए जरा इसको देखिए, समझदारी, जब कोई मरीज एक डॉक्टर के पास आता है तो वो पहले देखता है कि इसकी बीमारी किस स्टेज पर है, इसका मसला टेबलेट हल करेगी, इसका मसला इंजेक्शन हल करेगा, या इसका मसला ऑपरेशन हल करेगा, पहले तशखीस देता है, पहले देखता है, उसके बाद उसका इलाज करता है। फरमाया कि दीन की तरफ भी दावत हो, किसे कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है यहाँ पर, और फिर अल्लाह के नबी के तमाम पैरोकारों, अगर तुमने दीनी मामले पर किसी से बात करनी है,
सबसे पहले तुम्हारे जहन में क्या हो? बेहिकमा, दानाई के साथ, न कि गले पड़ जाओ एक दूसरे के, न कि लड़ाई शुरू कर दो एक दूसरे से, न कि गुस्से में आकर शैतान को मौका दो कि बजाय हिदायत के तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दे, बजाय करीब आने के तुम्हें एक दूसरे से लड़वा दे, जो हमारे भाषण में होता है। بالحكمة من موعظة الحسنة wisdom من موعظة الحسنة and good advice good advice موعظة الحسنة یعنی اچھے طریقے سے نصیحت خیرخواہی ہمدردی اپنے آپ کو اس کا ہمدرد بنا کر اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہماری تبلیغ کے انداز میں کب ایسا ہوتا ہے जिसका हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं है उससे हमें कितनी हमदर्दी होती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उनको अगर वो लोग हमें गुमराह समझते हैं, शिया अगर सुन्नी को गुमराह समझता है, सुन्नी अगर शिया को गुमराह समझता है, इन दोनों में एक दूसरे के बारे में हमदर्दी के जज्बात कितने होते हैं। ये आयत रसूलुल्लाह को किन के बारे में कह रही है? मौइज़त अल-हसना मुशरिकीन के बारे में। रसूलुल्लाह के मुकाबले में कौन थे? किनको दावत देनी थी बताइए? किनको दावत देनी थी? मुशरिकीन। उनके बारे में कहा जा रहा है बिल-हिकमत वल-मौइज़त अल-हसना, मौइज़ा फास करना, नसीहत करना, हसना बेहतरीन अंदाज में जिस कदर मुमकिन है अपना अंदाज ऐसा रखो कि वो इंसान हिदायत की तरफ आ जाए, जबकि हमारे मौसम में तब्दील का अंदाज इसके बरअक्स, लिहाजा नतीजा भी उसके बरअक्स। अल्लाह के रसूल ने यह अंदाज अपनाया, नतीजा भी दिया। हमने यह अंदाज नहीं अपनाया, नतीजा भी उसी के मुताबिक अपनी सोसाइटी में हम देख रहे हैं। इतना इसका तर्जुमा काफी है। एक पॉइंट है कि हिकमत और मौइज़त अल-हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और अगर कोई तुमसे बहस करने भी लगे, अगर तुम बात इस तरह करो कि बहस तक बात ना पहुंचे, लेकिन अगर बहस हो भी जाए बहस के लिए भी बिल्लती हिया अहसन बेहतरीन अंदाज अपनाओ, जो बेस्ट पॉसिबल है वो अंदाज अपनाओ। क्यों? इसलिए कि तुमने तुम्हारा हदफ उसकी शिकस्त नहीं है, तुम्हारा हदफ उसे जलील और रुसवा करना नहीं है, तुम्हारा हदफ उसकी हिदायत करना, तुम्हारा हदफ उसे जहन्नम के रास्ते से हटा कर उसे जन्नत के रास्ते की तरफ लाना है, जो अल्लाह के नबी का था। इसीलिए अल्लाह का नबी मुशरिकीन के लिए भी दर्द रखता था, तड़पता था, लेकिन हमारे दिलों के अंदर ये दर्द और ये तड़प मौजूद। उसी के नतीजे में हमने भी ये दर्द खो दिया, दूसरे ने भी ये दर्द खो दिया एक दूसरे के दर्द। सूरह इसरा आयत नंबर 53 वकुल लिबादी यकूलु लती हिया अहसन, और करेंगे फिर ऐ रसूल मेरे बंदों से कह दीजिए से टू माय सर्वेंट्स that they should only say those things that are best। जब आपने किसी से बात करनी है जो बेहतरीन बात है वो करो, मेयार से गिरी हुई बात ना करो, मोहब्बत की बात करो झगड़ों की बात ना करो, हिदायत की कोशिश करो, हिदायत को अपना हदफ रखो, लड़ाई झगड़े को अपना हदफ। क्यों ऐसा करो? यकूल लती हिया अहसन, मेरे बंदों से कहो कि बेहतरीन अंदाज में बात करें, बेहतरीन बात करें, अच्छी तरीन बात करें, बेस्ट बात करें। क्यों? इसलिए इन शैतान या सब बैनों, इसलिए कि अगर गुस्से में आ जाओगे, अगर मुकाबले में आ जाओगे, शैतान को मौका मिलेगा तुम्हें लड़वा देगा, तुम्हें झगड़ा करवा देगा। पर आपने देखा अगर दो फरीक किसी भी मार्ग
मामले में आपसे बात कर रहे हूँ, एक गुस्से में बात करें कि मैं तुम्हारी बात तस्लीम नहीं करता, दूसरा भी फौरन गुस्से में आकर कहता है अगर तू नहीं मानता तो मैं भी तेरी नहीं मानूंगा। और क्या होता है, उस मसले का हल होते होते वो हल नहीं हो सकता। जैसा उसूल बताया कि मेरे बंदों से कहो कि अच्छी बात करें, इसलिए कि शैतान उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा डलवाता है। स्टेट टू माय सर्वेंट्स दैट दे दैट दे शुड ओनली से दोस थिंग्स दैट आर बेस्ट फॉर शैतान सोस डिसेंशंस अमंग देम फॉर शैतान इज टू मैन एन ओपन एनिमी। शैतान ने यह काम करवाना है, अगर अच्छे तरीके से बात नहीं करोगे दूसरे के साथ तो फिर उस तरीके से बात करोगे जो शैतान चाहता है। अगर कुरान के उसूल के मुताबिक तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारा अंदाज नहीं है, तो फिर दूसरा अंदाज वो तुम्हारा अंदाज नहीं है, वो शैतान का अंदाज है। इस अंदाज में नतीजा वो निकलेगा जो अल्लाह चाहता है, और इस अंदाज को छोड़ने से नतीजा वो निकलेगा जो शैतान चाहता है। वला तसुब्बु अल्लज़ीना यदउना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बु अल्लाह अदबन बिगैर इल्म كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون। सिर्फ मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, आप इंशाल्लाह गौर करेंगे, अगर समझना है तो बात पूछ सकते हैं। ये भी कुरान का वो उसूल है कि जिसको हम हर रोज पामाल करते हैं, हर दीनी बहस में मुखालिफीन के जिक्र में हम इसे पामाल करते हैं, इस कुरान के उसूल। ज्यादा हमारे माशरे की यह हालत है, हमारे अंदर नफरतों की हालत है। डू नॉट एब्यूज दोस हुम दे कॉल अपॉन बिसाइड्स अल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में जिन्हें पुकारते हैं, अल्लाह का शरीक बनाते हैं, उनके बारे में भी बुरे और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते। सब करना यानी गंदे अल्फाज जिसे हम गाली कहते हैं न करो, जिनको ये लोग अल्लाह का शरीक बना रहे हैं उनको भी गंदे अल्फाज से याद न करो। ये अपनी जहालत और दुश्मनी की वजह से अल्लाह के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें। ये फॉर्मूला है, अगर आप किसी के मुकद्दसात के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल करेंगे बदले में, वो तो जाहिल है, आपके मुकद्दसात की हकीकत नहीं जानता। अगर आप उनके मुकद्दसात की तौहीन करेंगे बदले में दुश्मनी में और अपनी जहालत में, वो आपके मुकद्दसात के बारे में बुरी जुबान इस्तेमाल करेंगे। क्या फरमाया कुरान ने, Thus have we made attractive each people its own doings, हमने हर कौम के लिए उनका अमल अच्छा बना दिया। हर कौम समझती है कि हम दूसरों को गाड़ी निकाल के बड़ा काम कर रहे हैं, अपने मजहब की बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम अहले बैत को बहुत डिफेंड कर रहे हैं दूसरों को गाली निकाल कर, जबकि ऐसा नहीं। कुरान में कहते हैं इन द एंड व्हेन दे रिटर्न टू देयर लॉर्ड एंड वी शैल देन टेल देम द ट्रुथ ऑफ ऑल दैट दे डिड, हम बताएंगे तुमने कुरान के खिलाफ अमल किया, तुम्हारा ये अमल मुझे बना वजह बना कि मुसलमानों ने इत्तफाक और इत्तेहाद की बजाय नफरत और तफरका और जिसे हम आजकल सेक्टेरियनिज्म कहते हैं वो पैदा हो, तुम्हारे कुरानी उसूलों को छोड़ने की वजह से। ये एक और उसूल है सूरह मुजरात आयत नंबर 11-11, ये भी आप रोजमर्रा जिंदगी में पामाल करते हैं, इसको भी अपने कदमों के नीचे रोन देते हैं कुरान के इस उसूल। आपने देखा होगा शियों ने सुनियों के खिलाफ और सुनियों ने शियों के खिलाफ घटिया किस्म के लतीफे बनाए, जोक्स बनाए। अब मैं यहां पर उसको कोट नहीं करना चाहूंगा, आपको तो अपने जहन में ला सकते हैं। सुन्नी सोसाइटी में जो मुतासिर हो गए, जिनका काम नफरतों को हवा देना है, वो शियों के बारे में घटिया किस्म के लतीफे और जोक्स बनाते हैं। इसी तरह शिया भी यही काम करते हैं, अहले सुन्नत के बारे में इसी किस्म के जोक्स बनाते हैं। जबकि कुरान मजीद ने क्या कहा, इसका अंजाम बहुत भयानक है, इसका अंजाम बहुत बुरा है, ये काम न करना, एक दूसरे का मजाक ये न बना।
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यस्कर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम ओ यू हू बिलीव लेट नॉट सम मैन अमंग यू रिडिक्यूल अदर्स दूसरों का मजाक न तुम में से एक कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए इट मे बी दैट द लेटर आर बेटर देन द फॉर्मर हो सकता है कि जो मजाक बना रहा है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हो अल्लाह के नजदीक उसका एहतराम अल्लाह के पास ज्यादा हो और ये जो मजाक बना रहा है ये घटिया हो अल्लाह की निगाह हो सकता है जैसा किसी का मजाक न हो वला निसा मिन निसा इन असा अन यकुन खैर मिन कुन नॉट लेट सम वुमेन मेक फन ऑफ अदर वुमेन मे बी दैट द लेटर आर बेटर देन इसी तरह औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक न उड़ाएं हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हो अल्लाह की नजरों में और जो मजाक बना रही है वो घटिया हो अल्लाह की नजरों में एक सलावत पढ़ेंगे फिर मोहम्मद वाले को इन आयात को
खुद भी जाके देखें, पढ़ें, जो सवाल हो, क्योंकि ये हमारी नज़र में ऐसी बातें हैं कि जो हमारे माशरे में नहीं की जाती। शायद हमसे कहा गया था, मुझे बताया गया था कि बास अहले सुन्नत यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि बास आए हो और बास और अफराद भी यहाँ पर तशरीफ लाएं, और खुदा तौफीक दे। ये बहस शिया सुन्नी की बहस नहीं है, ये बहस कुरानी बहस, कुरान डिस्कशन, कुरान पर्सपेक्टिव है। और कोई शिया उस वक्त तक शिया नहीं हो सकता जब तक कुरान पर उसका ईमान ना हो, जब तक कुरान को सबसे बड़ा हादी ना समझता हो। और कोई सुन्नी उस वक्त तक सुन्नी नहीं हो सकता जब तक कुरान को अपना सबसे बड़ा हादी ना समझता हो। लेकिन अफसोस क्या है, दोनों ग्रुप्स ने इन उसूलों को तर्क किया, इनको छोड़ दिया है, लिहाजा इनके नतीजे। ये किताब है हदीसों फिर दीन और तकाफा व इज्तिमा, सोसाइटी के बारे में कुछ हदीस आइमा की जमा की इस किताब में। ये किताब वाले क्या कहते हैं, सुनते जाइएगा, मुझे जल्दी गुजरना होगा। फरमाते उस आयत के नीचे ये जिक्र करते, उस आयत को जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह काफिरों से कह रहे हैं अच्छा सुलूक करो, तुमसे जंग नहीं करो, जिन्होंने तुम्हें घरों से नहीं कहा। फरमाते हैं कि अगर दूसरे अदियान के लोगों के बारे में अल्लाह दुश्मनी से मना करता है, तो खुद जो इस्लाम के अंदर के मुख्तलिफ मकातिब हैं, अल्लाह वहां पर दुश्मनी की कब इजाजत देता है। जो हमारे साथ हालत जंग में नहीं है, जो तुम्हारे साथ हालत जंग में नहीं है, जो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम पे जुल्म नहीं करते, तुम्हारे घर तुमसे नहीं छीनना चाहते, तुम पर तजावुज नहीं करना चाहते, उनके साथ दुश्मनी अल्लाह इसकी कतई इजाजत नहीं देता, खिलाफ जो कुरान में है। अगली बात को छोड़ते हैं, जरा खुद इसका खुलासा जो बात की है वो ये है कि जब दूसरे अदियान के लोगों से बात अच्छे सलूक का हुक्म है, तो फिर अपने दीन के अंदर इस्लाम के अंदर और भी ज्यादा इस हुक्म की ताकत है अच्छे सलूक। और इसी तरह इससे बढ़कर अपने मजहब के अंदर आज हमारे मिजाज की वजह से शियों के भी कई टुकड़े हैं, शियों के भी कई ग्रुप्स हैं। आप अपनी स्टेज को देख सकते हैं, शिया शिया आपस में लड़ते हैं, क्यों? इसलिए कि वो जो प्रिंसिपल्स बताए हैं इकट्ठा रहने के कुरान में, उसके मुताबिक हमारा मिजाज नहीं है। लिहाजा हम शिया भी आपस में ग्रुप्स पर ग्रुप्स बनाते जा रहे हैं, लड़ाइयों पर लड़ाइए, झगड़ों पर झगड़े, हर रोज इजाफा होता है, कभी नहीं आती। नए ग्रुप्स बनते हैं, ये हम सुनते हैं नया ग्रुप बन गया, एक नया मसला खड़ा हो गया, ये नहीं सुनते कि चंद ग्रुप्स में मिलकर एक यूनिटी इख्तियार की है, इकट्ठे हो गए और अब वो सब मिलकर मकतब की खिदमत करेंगे, ये खबर कम सुनने को मिलती है। वजह क्या है? वजह कुरान मजीद को छोड़ दिया। ये एक रिवायत है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, जो लोग तुम्हारे मजहब को फॉलो नहीं करते, शिया नहीं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, सन उनकी मसाजिद है, उनकी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करो, वाउद मर्दा हम उनके मरीजों की तीमारदारी करो, अगर वो बीमार हो तो उनकी बीमार पूछी के लिए जाओ, वशहदू जनाजा हम अगर वो जब वो मरे उनके जनाजों में शिरकत करो, इन उनकी नमाज जनाजों में शिरकत करो, वइन इस्तताअ अगर तुम ऐसे हालात बना पाओ, अन तकूनु अइम्मा वल मुअज्जिनीन कि तुम अपने आप को इस तरह पेश करो कि तुम उनके इमाम बन जाओ, इमाम जमात बन जाओ। आजकल तो इसका तसव्वुर नहीं है, क्योंकि आइमा के ज़हन में इसका तसव्वुर था कि अगर तुम हमारे बताए हुए उसूलों पर चलो तो वह भी तुम्हें कबूल करेंगे, जो उनमें से अच्छे अफराद, अगर कर सको उनके आइमा बन जाओ, इमाम बनो, बल मुअज्जिनीन उनकी मस्जिदों के मुअज्जिन बन जाओ, फअलू ऐसा करो, इमाम ताकीद फरमा रहे, क्यों?
فَإِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ لوگ ایک بات کریں گے اس کے نتیجے میں، اور وہ بات کیا ہوگی؟ ہاؤلاء الجعفریہ، یہ جعفری ہو، یہ شیعہ ہو، رحم اللہ و جعفر، اللہ امام جعفر پر اپنی رحمتیں نازل کرے تمہارے اچھے کاموں کی وجہ سے، دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ ان کے استاد پر، اللہ ان کے امام پر اپنی رحمتیں نازل کرے، ما کان احسن ما یقدم اصحابہ، کتنی اچھی تربیت کی ہے امام جعفر نے اپنے ساتھ، تمہارے اخلاق کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے لوگ میرے لیے دعا کریں گے، وَقِدَا قَرَا تُمْ ظَالِمْ، اور جب تم اس بات کو ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے، یہ نہیں کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور تو یہی لوگ کیا کہیں گے؟ آپ اللہ اجازت دیں، یہ شیعہ ہوتا ہے، یہ شیعہ یعنی تمہاری برائی کریں گے، آپ اللہ اجازت دیں، فَعَلَى اللَّهُ جَعْفَرْ، اللہ جعفر کا بھلا نہ کرے، نعوذ باللہ، امام فرماتے ہیں کہ جب تم اچھے کام چھوڑو گے تو جو مجھے نہیں جانتے تمہاری وجہ سے جانتے ہیں، تم میرا نام لینے والے ہو، تو کیا کہیں گے؟ اللہ ان کے استاد کا بھلا نہ کرے، نعوذ باللہ، مجھے برا کہیں گے، ما کان اسوء ما یقدم اصحابہ، کتنے برے طریقے سے اپنے شیعوں کی تربیت کی ہے، تم میرے لیے باعث عزت بن سکتے ہو، تم میرے لیے باعث لوگوں کی برائی کا باعث بھی، صرف پوچھنا چاہوں گا کہ جو روایت میں نے پڑھی ہے، کوئی ایسا دوست، کوئی بزرگ جس نے یہ روایت پہلے پڑھی ہو یا سنی ہو؟ ایک، دو، تین، لیکن یہ تعداد بہت بڑی مائنورٹی ہے، یہ روایات کتابوں میں پیک ہو کر ہمارے گھروں میں پڑھی، یہ آیات قرآن میں پیک ہو کر ہمارے گھروں کے اندر پڑھی، ایک سب بات پڑھی محمد قرآن، اس روایت کو پڑھتے ہوئے مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال کیا جائے گا، سوال آیا، سوال انہوں نے کیا کہ اگر ہم سنی مسجد پر جا کر اذان دیں کیا ہم اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے یا نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آیات اس کے آگے بھی بہت سی ہیں لیکن ٹائم شاید 5 منٹ مزید ہو، جا کر ہم پہنچ سکتے ہیں، ان شاء اللہ اسٹوڈنٹ کر لوں، اگر اگر توفیق کی تو ان شاء اللہ اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کو پھر آپ نے اگر چاہ کہیں گے، یہ اصول کافی کی اندر ایک کتاب ہے، کتاب الایمان والکفر، اور اس کے اندر ایک باب ہے، باب درجات ایمان، یعنی ایمان کے درجات، اس کی یہ روایت ہے، ساری روایتیں کرتا ہے، امام کا ایک امام صادق علیہ السلام کا ایک خادم ہے، وہ امام سے آ کر کہتا ہے کہ یہ لوگ جو مطلب اہل بیت کو ماننے والے نہیں، جو ولایت ایمان کے قائل نہیں، کہتا ہے کہ میں ان سے بری برات کا اظہار کرتا ہوں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم ان سے بری بری کن سے ہونا ہوتا ہے؟ دشمنان اہل بیت سے، ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا دشمن اہل بیت ہے، جبکہ ایسا نہیں، اکثریت اہل سنت محبین اہل بیت ہے، فرق کیا ہے؟ ان کے علم میں اور ہمارے علم میں فرق ہے، اہل بیت کے بارے میں، ان کی معرفت میں اور ہماری معرفت میں فرق ہے، آئمہ کیا پالیسی دیتے ہیں کہ کوشش کرو ان کی معرفت کو زیادہ کرو، نہ کہ ان سے برات کرو، ہاں جو ہمارے دشمن ہیں، جو ناسبی ہیں، ان سے برات کرو، لہذا جب اس نے امام کے غلام نے آ کر کہا کہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں ان سے، امام نے فرمایا فقال یتبلغنا، یہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، بلا یقولون ما تقولون، لیکن اس بات پہ قائم نہیں ہمارے بارے میں جس بات پہ تم قائم ہو، شیعہ لوگ، تب رہون منہم یا تبر رہون منہم، تم ان سے اظہار برات کرتے ہو،
इसने जवाब दिया कुंतुल नार जी मैं आपसे बरात करता हूँ قال فهو صاح عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا ان نبرع منكم تو جو ہمارے پاس علم ہے امام نے فرمایا جو میرے پاس علم ہے جو اہل بیت کے پاس علم ہے جو اہل بیت کی معرفت ہے وہ تمہارا درجہ تو نہیں معرفت کا اس غلام سے فرمایا تمہارے پاس تو وہ علم نہیں ہے اس نے کہا کہ لا جو ہے تو فدا جی نہیں آپ کا علم زیادہ ہے ہمارا علم کم ہے امام نے فرمایا تو پھر ایک اور سب کیا بہو بزا عند اللہ ما لیس عندنا فتراہ اطرحنا جو اللہ کا علم ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہے ہمیں وہ جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے لیکن اصل کمال علم خدا کی ذات ہے ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں کم ہے اس نے جواب دیا جی ایسا ہی ہے اللہ کا علم زیادہ ہے فرمایا کہ آیا تو نے دیکھا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ برات کر دی علم کی کمی کی وجہ سے یا تمہارا علم کم ہے اہل بیت کا علم زیادہ ہے آیا تم نے دیکھا کبھی کہ ہم نے تم سے برات کا اظہار کیا ہو فقط تمہارے علم میں کمی کی وجہ سے لہٰذا تم بھی وہ افراد جو ہماری ولایت کے قائل ہیں لیکن ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اظہار برات نہیں کر سکتے یہ پالیسی غلط پالیسی یہ روایت باب درجات اعتماد اس کے اندر یہ آئمہ کی پالیسی ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ بٹ وی لیکن ہم شاید یہ کچھ بات ختم کرنی پڑے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اوپر والی بات کو ذہن میں رکھیے گا اور جو ہم کرتے ہیں وہ روش کچھ قرآن مجید ہی کی آیت آیت ہی کی روشنی جو لہجہ اس قرآن کی آیت نے بتایا وہی لب و لہجہ ہمارا ایک دوسرے کے بارے میں شیعہ کا سنی کے بارے میں سنی کا شیعہ کے بارے میں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يدخلون الكتاب The Jews say مسار میں سائل سے Jews کو اٹھا دیں اور Christians کو اٹھا دیں شیعہ اور سنی لے باقی بات ساری کی ساری ہوئی باقی بات ساری کی ساری ہوئی The Jews say the Christians stand on nothing ان کی کوئی بنیاد نہیں سب چاہے سب بے عقل اینڈ دی کرسچن سے دی جوز سٹینڈ آن نتھنگ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ جوز سٹینڈ آن نتھنگ یہودی چاہے یہودیوں کے پاس کچھ نہیں یہودیوں کی باتیں بے بنیاد جبکہ وہ یتلون کتاب دونوں جبکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو they follow the same book اتنا ہی میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا شیعہ اور سنی پہلے سن لیجیے سب سے پہلی کامن چیز اللہ کی کتاب اہل سنت بھی دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو فالو کرنے کا شیعہ بھی دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو فالو کرنے کا پورا کا پورا قرآن کامن ہے دنیا کا کوئی شخص چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو اگر وہ قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو قرآن مجید کو اپنا حاجی اور رہبر مانتا ہو تو کوئی دوسرا شخص اسے کہے کہ تو بالکل تیری کوئی بنیاد نہیں ہے یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا غلط انسان ہے اسی طرح جو ہمارا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے ذاتی تحقیق ہے وہ کیا ہے اگر آپ شیعہ اور سنی حدیثوں کو لے کر بیٹھ جائیں حدیث کی بکس کو لے کر بیٹھ جائیں بخاری مسلم اور دوسری احادیث کی کتب کو لے کر بیٹھ جائیں اسی طرح اصول کافی ملہ یا ذوال فقیہ تہذیب استفسار ان کتابوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور حدیثوں کو کمپیئر کرنا شروع کریں کامن احادیث کامن باتوں کو ڈھونڈنا شروع کریں اور آج کمپیوٹر نے سافٹ ویئر نے یہ کام بہت آسان کر دیا اگر آپ یہ کام کرنے لگے میں اگر بہت بھی احتیاط سے کہوں ابو 80% حدیثیں آپ کو کامن ملیں ابو 80% 80% سے زائد دین ایک جیسا صرف بعض خاص ٹاپکس ایسے ہیں کہ جو جن میں آپ کو اختلاف ہے البتہ وہ بالکل بھی بنیادی بات نہیں کوئی شک نہیں لیکن ان اختلافات کے بارے میں جو غلط رویہ ہے وہ کون سا ہے خلاف قرآن خلاف سیرت اہل بیت نہ قرآن نے وہ روش بتائی میتھڈ بتایا
ना सीरत एलिमेंट में वो रविश मिलती है कि जो आज मैंने और आपने अपनाई, जो आज दूसरे मुसलमानों के फिरकों ने भी अपनाई है। लिहाजा अपने इस किए की, अपने इस जुर्म की सजा की बात हो, एक सजा बड़ी सोल्यूशन। सोल्यूशन पिछले लेक्चर में जिक्र हुआ था, सोल्यूशन ये कॉमन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए और जो इख्तलाफी चीज़ें हैं उनके बारे में कोई ज़ाबता अखलाक क़ायम किया जाए, और वो ज़ाबता अखलाक उसकी बुनियाद एबरगोजम ने जैसे अपने फतवा में भी मुयन की, वो क्या है कि कोई शिया सुन्नी मुकद्दसात की तौहीन ना करें। इनकी बहस अलग बात, हक व बातिल की अच्छे माहौल में एतराम को मरूज रखते तो बात की अलग है, लेकिन तौहीन गाली सात बातें इससे मना किया और सीरत अहले बैत से ही ये फतवा लिया, एक दूसरे के कुरान की से फतवा लिया कि जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं उन्हें गाली ना दो। अहले सुन्नत को भी इसी फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए, मतलब अहले बैत वालों को भी इसी फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए, तब जाके इस अजाब से मुसलमानों को निजात मिलेगी। जब तक ये फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे तब तक इस मुश्किल से, इस जुल्म से, इस तजावुज से, इस जहालत से, इस इग्नोरेंस से उम्मत मुस्लिमों को निजात नहीं मिल सकती। ये आयत पहले भी बयान हुई थी, ऐसा दोबारा ज़्यादा बयान नहीं करूँगा। ये अहले किताब के बारे में हुक्म है, अहले किताब से लोग सिर्फ तौहीद पे अटके हुए, तो मुसलमान को तौहीद के अलावा और कितनी ही बातें ऐसी कि जो शियों में और सुन्नियों में कॉमन है, क़यामत के दिन कोई अल्लाह को इस आयत का जवाब नहीं दे पाएगा कि तुमने क्यों आपस में यूनिटी का रास्ता इख्तियार नहीं किया, क्यों तुमने कॉमन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया, क्यों तुमने सिर्फ इख्तलाफी बातों को हाईलाइट किया। एक जो सुना दूँ जो आपने टीवी में देखा भी होगा कि एक शख्स आजकल टीवी में दिखाते हैं शायद जियो में या इसमें चैनल में, एक शख्स खुदकुशी कर रहा है, दूसरा उसको बचाने के लिए आता है, कहता है खुदकुशी, उसको रोकता है, कहता है तुम मुसलमान हो, कहता है तुम मुसलमान, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, कहते हैं शिया वाले सुन्नी हूँ, कहता है मैं सुन्नी हूँ, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सुन्नी हूँ, कहता है देवबंदी वाले बरेलवी हूँ, कहता है बरेलवी हूँ, कहता है मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ, कहता है वो फलाने पत्नी नक्शबंदी बरेलवी हूँ या पत्नी कादरी बरेलवी हूँ, कहता है मैं कादरी, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कादरी बरेलवी हूँ। चलते चलते पाँच छः और स्टेप लेने के बाद एक माइनर सी चीज़ में वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, कहता तुम काफ़र रह जा, खुदकुशी कर, मर वाजिब अल कत्ल। हम सब की हालत ये है कि सारी बड़ी कॉमन चीज़ों को छोड़कर, बुनियादी इस्लाम के प्रिंसिपल्स को छोड़कर, बहुत कम बातों पर एक दूसरे को जहन्नमी और एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, जबकि ना अहले सुन्नत की रिवायात की रोशनी में सही रिवायात की, ना ही मतलब अहले बैत की रिवायात की रोशनी में, दोनों की रोशनी में ये बात गलत है। एक दूसरे को काफिर करार देना, एक दूसरे से मदद करना, इंशाल्लाह इन आयात को, इन रिवायात को समझने की और अपनी जिंदगी को इंशाल्लाह इन उसूलों के मुताबिक गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। इस बात बड़ी मेहरबानी पहला सवाल था इफ वी वर टू बी एक्सेप्टेड टू गिव अज़ान इन सुन्नी मस्जिद शुड वी गिव अज़ान इंक्लूडिंग द विलायत ऑफ मौला अली और नॉट। जाहिर है कि जब आप वहाँ पर जाएंगे अपनी तबलीग के लिए, जब तक वो अहले सुन्नत है तब तक वहाँ पर उनकी मस्जिद में जाके विलायत करवाई देना, यानी अपने आप को वहाँ से निकालना, जबकि इस काम का हदफ इमाम ने क्या बताया, आप अपने अखलाक के जरिए उन्हें करीब लाए। इससे इस चीज़ को हमारे मजहब में कुरान की जुबान में क्या कहते हैं, तकिया। तकिए की मुख्तलिफ अकसाम हैं, इनका भी बयान का वक्त नहीं है। उनमें से तकिए की एक किस्म यह है कि आप वो चीज़ें जिनसे भड़कने का अंदेशा है वो आर्जी तौर पर या माहौल की वजह से उनका इजहार न करें और उनके साथ मिलें। आप जाते हैं कानाकाबा में, वहाँ पर मुस्तहदीन का मराज का क्या बदला है, सजदेगाह रखे आप, कालीन पर भी सजदा करना वहां पर जायज है। क्यों जायज है, तकिए की एक किस्म, इसलिए कि सजदेगाह रखने से आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे,
सजदेकार रखने से आपको वो ये नहीं हो सकता है कि आपके साथ बुरा सलूक करें, आपकी इंसल्ट करें, और वो बिना वजह आपकी इंसल्ट है, वहाँ कोई हजत नहीं है। लिहाजा कहा कि वहाँ पर सजदेकार को न रखो, तो वहाँ पर भी तकिया किया जाए। आप अगर आप ऐसे बनेंगे, एक दिन आखिर वो दिन आएगा वो आपसे कहेंगे कि तुम्हारा मजहब है वही सही, उसके बाद वो खुद से वो बढ़ाई देंगे जो आप उसे निर्वाह कर सकते। ऐसा कहा कि पूर्ण दुआ जन्नास में गए लोगों को दावत देने वाले बनो अपनी जुबान के बगैर, यानी अपनी अखलाक से, अपनी आवाज से। सर टू क्वेश्चन, व्हाट आर द बेस्ट वेज ऑफ मेकिंग आर्ग्यूमेंट? बेस्ट वेज ऑफ मेकिंग आर्ग्यूमेंट वो तो हो गया सभी जगत में कबीर ने एक मत वर्मा के साथ असर बजाते हुए मिलती है हासिल। पहले अच्छी तरह इंसान समझे जो कुरान की आयत जान ले, इंशाल्लाह उसी को उस आयत को जो मैंने सुबह किए गए आप चाहे उसकी तफसीर देखें, उसमें तबलीग इस आयत को जब खोला गया तफसीर में फिर वो तरीके भी बयान किए गए कि जब आप बुखारी से बात कर रहे हैं उसकी तबलीग कर रहे हैं तो फिर आपको किस किस चीज़ का लिहाज रखना है, लेकिन प्रिंसिपल वही है कि उस आयत में बयान हुआ। व्हाट कुरान पाक सेज अबाउट ब्लास्फेमी अबाउट तौहीन रिसालत के बारे में? ये टॉपिक एक लंबा छोटा टॉपिक है। रिवायात ऐसी है कि शख्स आया रसूलुल्लाह की सहाबा की मौजूदगी में तौहीन की, रसूलुल्लाह ने उसको छोड़ दिया, सहाबा ने कहा कि आप इजाजत दें उसकी गर्दन उड़ाएं, रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया। लेकिन बाज अफराद को सजा भी, लिहाजा केसेस डिफर करते हैं। वो शख्स, अब वो अंदाजा लगाना सिस्टम का काम है, निजाम का काम है, वो शख्स जिसने जानबूझकर ये काम किया हो, जानबूझकर तौहीन की हो, उसका हुक्म और है शरीयत में। और जिस शख्स ने अपनी इग्नोरेंस की बिना पर न जानते हो गलती से, अगर उसको पता होता तो ये काम न करता, अगर उसने ये काम किया है तो फिर उसको उसके मुताबिक उसका फैसला किया जाए। लेकिन ये खुद एक टॉपिक है, दोनों तरह की रिवायात किताबों में मौजूद है, जिसको अलग से डिस्कस की करने की जरूरत है। सिर्फ यहाँ इसका जवाब क्या है कि उस शख्स ने जिस कैफियत में वो काम किया उसके मुताबिक उसके साथ डील किया जाएगा। अगला सवाल ये कि बहसियत शिया हमें तो अब से कुछ देर पहले तक कुरान समझने से मना किया जाता है कि वो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता, लिहाजा सबसे पहले हमें तालीमी कुरान की तकलीफ की अशद ज़रूरत है खुसूसन मेम्बर से। तो ये तो सवाल नहीं है बल्कि तजवीज़ है। मैंने कहा कि इस ज़रूरत ये ज़रूरत नहीं है बल्कि ये वाजिब है। मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि शहीद उस्ताद मुर्तज़ा मुताहरी रिज़वान अल्लाह ताला अलैह के ऐसी शख्सियत थी जिसको इमाम बुखारी ने फरमाया कि मुताहरी मेरी सारी ज़िंदगी का हासिल, अगर किसी ने हुमैनी रिज़वान अल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी का रिजल्ट देखना हो, समर देखना हो, फ्रूट देखना हो, वो मुर्तज़ा मुताहरी है। शहीद मुर्तज़ा मुताहरी उन हस्तियों में से कि जो सदियों में एक पैदा होता है जामे उलूम में, यानी सिर्फ फिक के मायर नहीं, उलूम इज्तिमाई सोशल साइंसेस के भी मायर हैं, फिलोसफी के भी मायर हैं, सियासत के भी मायर हैं, स्पेशलाइज इन सब चीज़ों में स्पेशलाइजेशन है, कुरान की तफसीर में, हदीस में। और अगर आप उनकी कुतुब को पढ़ें उसका अंदाजा हो जाता है। शहीद की शहादत को 32-33 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी शहीद की किताबें ईरान की सोसाइटी में तरोताजा हैं। यह हस्ती कुरान मजीद के बारे में एक फतवा है उनका, और फतवा क्या है? फरमाया कि कुरान मजीद को पढ़ना समझना, ताकि अरबी जुबान तजवीद, बल्कि कुरान मजीद को पढ़ना उसको समझने के लिए ये हर मुसलमान पर वाजिब है, वैसे ही जैसे नमाज वाजिब, जैसे नमाज पढ़ना वाजिब है, जैसे रोजा रखना वाजिब है, जैसे बाकी वाजिबात है, उसी तरह कुरान मजीद को समझने के लिए पढ़ना हर मुस्लिम पर वाजिब है, फर्ज है। अगर ना पढ़े तो गुनाहगार है, क़यामत के दिन जवाब देगा, और जो अल्लाह के रसूल में शिकायत करेंगे सुन्नत में कुरान को छोड़ दिया, तो उम्मत से मुराद मौलाना हज़रात नहीं, उम्मत से मुराद सारी उम्मत,
मुराद निकाल के फलाए तदबुरुन कुरान की मुराद का बहुत जिक्र क्यों नहीं करते, तो मुराद उलमा नहीं है, मुराद ये नहीं है कि अहले बैत कुरान में गौर फिक्र क्यों नहीं करते, वो तो करते थे। हर